क्या आप जानते हैं कि आप अमरूद यानी गुआवा का नया पौधा सिर्फ पानी में उगाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें अगले सीजन में फल भी आने लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पानी में कलम से अमरूद का पौधा उगाने का एक बिल्कुल नया और एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस मेथड को एयर लेयरिंग विथ वाटर कहते हैं, जिसमें मैं सिर्फ पानी में अमरूद का नया क्लोन पौधा तैयार करके दिखाऊंगा, जो एक डेढ़ साल में फल भी देने लगेगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा बीज से अमरूद का पौधा उगाने और फल देने वाले पेड़ में एयर लेयरिंग या गुट्टी बांधने का सबसे आसान तरीका, जो कभी फेल नहीं होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। अगर आप अमरूद का पेड़ बीज से उगाते हैं तो पहले तो ये बड़ा पेड़ बनेगा और उसके बाद 3-4 साल बाद फल देना शुरू करेगा। इसलिए फल देने वाले मदर ट्री से एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग करके ऐसा पौधा तैयार किया जा सकता है जो एक ही साल में फल देने लगता है। तो अमरूद का नया पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एयर लेयरिंग विथ वॉटर। ये तरीका इतना सिंपल है कि कोई भी इस ट्रिक को फॉलो करके फलदार अमरूद के पौधे से नया पौधा बना सकता है, चाहे वो गार्डनिंग के बारे में कुछ भी न जानता हो। आप किसी भी फल देने वाले अमरूद के पेड़ में या नर्सरी से लाए हुए किसी ग्राफ्टेड अमरूद के पौधे में इस तरीके से वाटर लेयरिंग करके नया पौधा बना सकते हैं। आज मैं इस थाई वेराइटी के पेड़ में वाटर लेयरिंग करने वाला हूँ। इसे मैंने अपने 8 साल पुराने पेड़ में एयर लेयरिंग करके गुआवा बोनसाई बनाने के लिए तैयार किया है। वाटर लेयरिंग के लिए पेंसिल जितनी मोटाई की ब्रांच बेस्ट होती है। ज्यादा मोटी हार्डवुड वाली ब्रांच नहीं लेना है और न ही इस तरह की हरी नई ब्रांच। ये सेमी हार्डवुड है, इसलिए इसमें रूटिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं। एक शार्प कटर लेकर सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अब ब्रांच में इस तरह से तिरछा कट लगाकर 2-3 इंच ऊपर तक काटते चलिए। इसे इतना गहरा काटना है कि कट ब्रांच की आधी मोटाई तक पहुंच जाए। एलोवेरा में नेचुरल एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है और ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन भी होता है। फास्ट रूटिंग के लिए अगर आप चाहें तो इस पर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। अगर एलोवेरा ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक छोटी बोतल में पानी भरकर इसके कट वाले हिस्से को बोतल में इस तरह से डालिए कि ये पानी में डूब जाए। किसी रस्सी या जिप टाई से ब्रांच के साथ बोतल को अच्छी तरह से बांध दीजिए, जिससे ये नीचे स्लिप ना हो। अब इसमें रूटिंग शुरू होने में 20 से लेकर 40 दिनों तक का टाइम लग सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि सभी फलों के पौधों में अमरूद ही एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे जल्दी रूट्स निकलना शुरू होती हैं। दोस्तों, एयर लेयरिंग करने का सबसे अच्छा टाइम मार्च का महीना या जून से लेकर अगस्त तक का समय होता है। बरसात के मौसम में हाई मॉइस्चर होने के कारण इसमें रूटिंग जल्दी होती है। उन्नीस दिनों बाद फाइनली इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। मैं कुछ और दिनों तक इसमें रूट ग्रोथ होने दूंगा, क्योंकि प्लांट तभी सर्वाइव करेगा जब अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होगा। जब भी बोतल में पानी का लेवल नीचे जाए तो इसे दोबारा ऊपर तक भर दीजिए, नहीं तो नाजुक रूट सूख जाएंगी। हालांकि इस समय बरसात का मौसम है तो इसमें पानी एवोपरेट बहुत जल्दी नहीं होता। वॉटर लेयरिंग लगाए हुए आज 38 दिन हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ढेर सारी रूट्स निकल आई हैं। अब ये गमले में लगाए जाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इतनी रूट्स में पौधा आसानी से सरवाइव कर जाएगा। एक शार्प कटर को डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अब इसे कट करके मदर ट्री से अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी हेल्दी और लंबी लंबी जड़ें निकली हुई हैं। इसे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो न्यूट्रिशन से भरपूर और वेल ड्रेन भी हो। इसके लिए आप बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और रेत लीजिए। अमरूद के इस क्लोन प्लांट को मैं इस 14 इंच के मिट्टी के गमले में लगा रहा हूं।
मेन ब्रांच को ऊपर से काट दीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि ज्यादा पत्ते और ढेर सारी ब्रांचेस को खाना दे सके। मैंने इसमें पहले से ही मिट्टी भर रखी है। अब कलम को बीचों बीच लगाइए। कुछ दिनों में इस कट के आसपास से नई साइड ब्रांचेस निकलने लगेंगी। इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इस पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप आए। अब इसे अच्छी तरह से पानी दीजिए। इसके बाद इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। 8 दिनों बाद इसमें साइड शूट निकल आई है। अभी इसकी पत्तियां काफी छोटी और नाजुक हैं, इसलिए इसे तेज धूप से बचाना है। 1-1.5 महीने बाद जब ब्रांच थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इसे फुल सनलाइट में रखूंगा। दोस्तों, हमारा अमरूद का पौधा अब 36 दिनों का हो गया है और इसकी ब्रांच 1.5 फुट लंबी हो गई है। गमले में इसकी जड़ें काफी अच्छी तरह से फैल गई हैं। अब मैं इसमें 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहा हूं। दोस्तों, अमरूद के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार इसी तरह से फर्टिलाइज करना चाहिए। अब गमले में बची हुई खाली जगह को मैं नई मिट्टी से भर देता हूं। अब इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां इसे दिन भर धूप मिल सके। वाटर लेयरिंग से तैयार अमरूद का हमारा ये क्लोन पौधा अब 7 महीने का हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या जबरदस्त ग्रोथ हुई है। प्लांट एकदम हेल्दी है और 3-3.5 फुट का भी हो चुका है और घना भी काफी हो गया है। और दोस्तों, ये देखिए, वाटर ग्राफ्टिंग के 7वें महीने में ही इसमें कलियां आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ठीक इसी समय इसके मदर प्लांट में भी फूल आ रहे हैं जिससे हमने वाटर लेयरिंग की थी। मैं इसके ऊपर की टिप को काट दूंगा जिससे पौधा लंबा होने की जगह साइड से घना होगा और ज्यादा ब्रांच का मतलब ज्यादा अमरूद। हालांकि हमें छोटे पौधों से फल नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली फ्लावरिंग के फूलों को तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से पौधा अपनी एनर्जी को फल बनाने की जगह प्लांट की ग्रोथ में लगाएगा जिससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और घना होगा और अगले सीजन में मेरे इस स्थायी गुआवा प्लांट की तरह ढेर सारे फल भी देगा। ये मेरा 3 साल पुराना अमरूद का पौधा है और इसे मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था। दोस्तों, वाटर लेयरिंग की तरह ही गुटी बांधना या मिट्टी में एयर लेयरिंग करके अमरूद का नया पौधा तैयार करना भी बाकी सभी फलों के पौधों के कंपैरिजन में सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें सबसे जल्दी रूटिंग होती है और इसमें सक्सेस का परसेंटेज भी काफी ज्यादा होता है। नर्सरी पर आप जो भी अमरूद के पौधे देखते हैं वो इसी तरीके से तैयार किए हुए होते हैं। अब मैं आपको इस थाई गुआवा वेराइटी के पौधे में एयर लेयरिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको एयर लेयरिंग सिर्फ उसी पेड़ या पौधे में करना है जो या तो अच्छी क्वालिटी का बड़ा फलदार पेड़ हो, जैसे कि ये मेरा 8 साल पुराना ऑल सीजन अमरूद का पेड़ जिसमें साल भर फल आते हैं, या फिर ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ कोई इस तरह का प्लांट। एयर लेयरिंग के लिए आपको कम से कम पेंसिल जितनी मोटाई की ब्रांच सिलेक्ट करनी है। ब्रांच हेल्दी होना चाहिए। आपको एक शार्प कटर या चाकू लेना है। इसे एल्कोहल बेस्ड लिक्विड से सैनिटाइज कर लीजिए। अब ब्रांच पर इस तरह से 1 इंच की दूरी पर 2 गोल कट लगाइए। दोनों के बीच से सीधा कट लगाकर छाल को निकाल दीजिए। अब इस छिले हुए हिस्से के ऊपर इस तरह से चाकू से स्क्रैच कीजिए। अब इस तरह का पॉलिथीन शीट का टुकड़ा इसकी साइज के हिसाब से काट लीजिए। इस तरह से टेप लगाकर दोनों साइड आपस में जोड़ दीजिए और कटिंग वाले हिस्से के 1/2 इंच नीचे बांध दीजिए। रूटिंग मीडिया तैयार करने के लिए 60% गार्डन की मिट्टी और 40% कोकोपीट को मिक्स कीजिए। आप चाहे तो स्पैग्नम मॉस भी यूज कर सकते हैं। इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। अब रूटिंग मिक्सचर को इसमें भर लीजिए और ऊपर से भी बांध दीजिए। इस पर सिल्वर फॉइल लपेट देते हैं, इससे इसके अंदर का मॉइस्चर बना रहेगा और धूप में रूट्स एक्सपोज भी नहीं होंगी। इसमें रूटिंग शुरू होने में 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पेड़ में एयर लेयरिंग कर रहे हैं। एयर लेयरिंग किए हुए 25 दिन हो गए हैं। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी रूट ग्रोथ हुई है। अब इसे स्टेरलाइज शार्प कटर से कट कर लेते हैं। अब ये आइडेंटिकल क्लोन प्लांट गमले या जमीन में लगाए जाने के लिए तैयार हो गया है।
50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाइए और इसे लगा दीजिए। जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए तब तक इसे शेड में रखें। 3 महीने बाद इसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई है और इसमें छोटे छोटे फल आना भी शुरू हो गए हैं और इसी समय पर इसके मदर प्लांट में भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। अमरूद के पौधे को आप बीज से भी उगा सकते हैं। बीज से उगाने के लिए आपको चाहिए अच्छी वैरायटी का पूरी तरह से पका हुआ अमरूद। 1 चम्मच की मदद से इस तरह से बीजों को स्कूप करके बाहर निकाल लीजिए। अब स्ट्रेनर पर अच्छी तरह से रगड़कर पूरा पल्प बीजों से अलग कर लीजिए। अब इन्हें 2 दिनों के लिए धूप में सुखा लीजिए। 2 दिन बाद बीज पूरी तरह से सूख गए हैं। सीड्स को सीधे मिट्टी में डालने की जगह सीडलिंग मिक्स में लगाना चाहिए। 50% वर्मी कंपोस्ट में 50% कोकोपीट मिलाकर ड्रेनेज होल्स वाले पॉट में भर लीजिए। इस पर बीज स्प्रिंकल कर दीजिए और मिट्टी की पतली लेयर डालकर इन्हें कवर कर दीजिए। अब जर्मिनेशन होने तक मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना है और इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। सीड्स लगाए लगभग 1 महीना हो गया है और अब सीडलिंग कंटेनर में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार है। अमरूद के सीडलिंग को मैं इस छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट करने वाला हूं, जिसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट मिक्स करके भर लिया है। इसे फॉक की मदद से मिट्टी सहित बाहर निकालें और गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। अब इसे ऐसी जगह रखना है जहां इसे सुबह की धूप मिल सके। 70 दिनों बाद पौधा 8 इंच का हो गया है। मैंने इसे फुल सनलाइट में रख दिया है। मैं इसके ऊपर के टिप को काट दूंगा, जिससे आसपास से नई साइड ब्रांचेस लिख लेंगी। अगले 1 साल तक इस पौधे को मैं इसी कंटेनर में उगाऊंगा, फिर बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। बीज से लगाए हुए अमरूद के पेड़ को फल देने लायक मैच्योर होने में 2 या 3 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जबकि एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे अगले सीजन में ही फल देने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।